आप भी मानते हैं ना कि कश्मीर पाकिस्तान का है भाईजान? यस यस यस। ओह थैंक यू सो मच। यू आर इंडियन बट यू आर सपोर्टिंग पाकिस्तान राइट? थैंक यू, यू आर वेरी गुड। यू मकसद नहीं बोलना भाईजान, मकसद ओके इंडिया भी पाकिस्तान बनेगा एक दिन, क्या कहते हैं आप? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऐसा थप्पड़ दूंगा ना मुंह पे। अभी जो तूने बोला है, अभी जो तूने बोला है तू पिटेगा किसी, तेरे पाला भाग गया। तुम इंडियंस अपने आप को समझते क्या हुए? तुम्हारा कोई इतिहास नहीं है, कोई इतिहास नहीं। हमारा देखो पाकिस्तान का पूरी दुनिया मानती है, इतिहास है हमारा। भाई पता नहीं तुम लोगों को कौन सा इतिहास पढ़ा दिया, मतलब तुम जिस इतिहास की बात कर रहे हो ना उस इतिहास से ग्रंथ ही है जिसमें से ग्रेविटी, बैटरी, राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी और जैसी नॉलेज लोगों ने चुरा कर अपनी बताने दे। और बुरा मत मानना यार भाई, ऐसी बुरे मानने वाली बात नहीं है, मगर पाकिस्तान वाले लोगों को भारत के इतिहास को उंगली उठाते नहीं देखो तो ऐसा लगता है कोई बच्चा अपने पिता के स्तर के इतिहास। अरे भाईजान क्या बात कर रहे भाईजान, हर हर महादेव भाईजान। बहुत ओ भाई ओ, अरे रे गा यार गा गा ओ भाई, गाना गाओ। चल मैं गाता हूँ, उसके बाद एक भगवान का भी गाएंगे। जुबानियां तेरी झूठी भी सच लगे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लगे। अपना बना ले पिया अपना बना ले मुझे, मेरे झोपड़ी के भाग सारे खुल जाएंगे, राम आएंगे। बस भाई भाई मैं आपको भगवान को समझ रहा हूँ, देख के ना रोंगटे खड़े हो गए मेरे भाई। रोंगटे गाया तुम, बहुत सही गाया तुम, बहुत सही गाया। अरे मैं कहाँ गाता था, अच्छा है मस्त, इतना अच्छा नहीं था मतलब, था ठीक था, बढ़िया था। पर डालोगे यार आप? विराम भक्त भाई सनातनी हो को मानते हैं हम, राम भक्त हैं। अच्छा राम जी के बारे में बताएं, राम जी और सुग्रीव जी कौन से पर्वत पे आके मिले थे? गिरी पर्वत मत है, गिरी पर्वत ये कौन सा पर्वत है भाई? मैंने पढ़ा यार भगवत गीता में। अच्छा ये भगवत गीता में पढ़ा आपने, वेरी गुड क्या बात। पर एक बात बताओ, राम जी तो रामायण में थे तो वो भगवत गीता में कैसे आए? अच्छा वैसे एक और बात पूछनी थी भाई तुमसे, बताओ। मतलब मुझे ये जानना है कि महाभारत में अंगद का कितना पैर जो भारी था कितने किलो का था? महाभारत में अंगद का पैर कैसे भारी हो सकता है? तो उसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता में राम जी कैसे हो सकते हैं यार?